हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए सुबह 6 बजे का क्लिप है और हमारे यहाँ ना अभी तो बहुत ज़्यादा, लगभग 7 बजे तक ना हमारे यहाँ ना कुहासा गिर ही रहे थे। फिर भी देखिए, मैं उसी तरह से ना अभी रूम में जितने भी सारे काम थे ना, आरुई के पापा भी चले गए हैं, उसके बाद आरुई का जो कपड़ा वगैरह, स्वेटर ये सब थे ना, तो वो धोना था। तो देखिए, मैं सुबह सुबह यहाँ पे कपड़ा लेके आ गई हूँ बाथरूम धोने के लिए। और ना 4-5 दिनों से ना हमारे यहाँ ना धूप भी नहीं निकली है, तो आज हल्की फुल्की निकली है। और आरुई का जो स्वेटर है ना, वो सारे गंदे भी हो गए थे, इसलिए देखिए इतने ठंडे में ना हम यहाँ पे सुबह वे कपड़ा अभी फुला दे रहे हैं। और इसको ना करीब आधा घंटे तक अभी सर्फ दे के और फूलने के लिए दे देंगे, उसके बाद फिर इसके कपड़ा को अच्छे से धुलाई कर लेंगे। और ये जो स्वेटर सब है ना, तो देख सकते हैं कि इतनी मोटी मोटी है ना कि इसको सूखने में तो 4-5 दिन लग ही जाएंगे। अगर अच्छे खिलखिला धूप निकलते हैं तो ये एक दिन में सूख जाती है, लेकिन अभी बहुत कम ही धूप निकलती है। और देखिए, और इतनी ठंडे में ना हाथ से धोने में तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और अभी देख सकते हैं हाथ सब ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है इतना। और ठंडा ठंडा पानी जो रहते हैं ना सिंटेक्स वाला, वो तो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा लगता है, इतने ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी क्या करें, ये सब स्वेटर अभी लगभग 4-5 दिन सूखने में टाइम भी लगेंगे और गंदे भी हो चुके थे, धोना भी ज़रूरी था, इसलिए देखिए अभी हाथ से ही सबको धो लेते हैं।
मेरे जितने भी सारे कपड़े थे ना, तो ये देखिए सारे छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं ना, बहुत टाइम मेहनत भी लगता है धुलने में। ये देखिए जितने भी सारे कपड़े थे ना, उसको अभी हल्की हल्की धूप निकली है, तो यहीं पे अभी सबको बाहर में फैला देते हैं। और ना मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरे पैर की क्या हालत हो गई है। तो ये देखिए हम ना पैर में ना प्लास्टिक बांध लिए थे, क्योंकि अगर इसमें ठंडे पानी ज़्यादा पड़ते ना तो और भी ज़्यादा मेरा सूजन या तो फिर दर्द होने लगते हैं, इसलिए मैं प्लास्टिक बांध ली थी। तो ये देखिए मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि प्लास्टिक खोलने के बाद मेरा पाँव कैसे दिख रहे हैं, और मेरे हाथ ना ठंडे से ना बिल्कुल भी काम भी नहीं कर रहा है। तो ये देखिए मैं आप लोग को प्लास्टिक से बाहर खोल के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए धीरे धीरे ना यहाँ पे फूल गया है पीछे साइड, क्योंकि बैठ के कपड़े धोने पड़ते हैं ना, इसलिए मेरे पैर पीछे फूल गया है। तो ये देख सकते हैं, अब मैं आप लोग को सामने से दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड आई होप कि आज का मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोग कैसा लगता है। मिलती हूँ अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय माय यूट्यूब।